कंपनियों के विनिवेश को लेकर पीएमओ जल्द ही एक्शन कर सकता है, समीक्षा कर सकता है। खबर पर एक्सक्लूसिव डिटेल्स के साथ जुड़ गई हैं मेघना मित्तल। मेघना से समझते हैं, क्योंकि सरकार डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर काफी प्रतिबद्ध नजर आ रही है। मेघना बताएं, कब हो सकती है समीक्षा? मार्केट्स में डेफिनेटली रैली दिखाई दे रही है। दीपम बिल्कुल इसको मिस नहीं करना चाहता है। वो चाहता है कि वो इस साल का जो रुपये 65,000 करोड़ का टारगेट है वो पूरा कर सके। इसलिए जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि पीएमओ बहुत ही जल्द एक रिव्यू लेने वाले हैं, जो दीपम के जो डिसइन्वेस्टमेंट के ट्रांजेक्शन है उनका पूरा डिटेल में रिव्यू होने वाला है कि कौन कौन से जो स्ट्रैटेजिक सेल्स हैं वो इस साल कंप्लीट कर सकती है। याद रखिए कि बेमल IDBI शिपिंग कॉरपोरेशन उसके टारगेट पे हैं। शिपिंग कॉरपोरेशन से लगभग ₹2,535 करोड़ मिल सकता है गवर्नमेंट को, बेमल से ₹1,000 करोड़ मिल सकता है। तो ये सब टारगेट पूरा करने में मदद करेंगे। जो बहुत सारे जो OFS हैं, जैसे कि कोल इंडिया हो गया, हिंदुस्तान जिंक, NFL, RCF, कोचिन शिपयार्ड, इन सबके टाइमलाइंस सेट किए जाएंगे इस मीटिंग में। और जो IPOs हो गए, जैसे वैपकॉस, नेशनल सीड कॉरपोरेशन, ECGC, इन सब के जो टाइमलाइन सेट होंगे, ताकि ये पता चले कि कितना टारगेट दीपम अचीव कर पाएगी। क्योंकि इस साल जो अभी हम तक हमने रिसीव करा है वो ₹24,000 करोड़ के आसपास है। बहुत बड़ा टारगेट नहीं अचीव कर पाए हैं अभी तक। याद रखिए कि जो स्टार्टिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में जो मार्केट्स काफ़ी वोलाटाइल थे रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के चलते, उसकी वजह से काफ़ी OFS डिले करने पड़े दीपम को। और जो LIC का IPO था उसका भी जो क्वांटम स्टेक था वो कट करना पड़ा, जिसकी वजह से ₹20,000 करोड़ कुछ आ पाया दीपम को। इसलिए अभी भी काफ़ी लंबा जो मार्जिन है वो पूरा करना है दीपम को। तो PMO रिव्यू जो है वो इम्पॉर्टेंट रहेगा देखना कि इसके बाद दीपम के जो जो टारगेट्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, और जो 65,000 करोड़ का टारगेट है वो कैसे इस साल पूरा करती है। ठीक है, ऑलराइट, बिल्कुल, शुक्रिया मेघना इस जानकारी के लिए। कोविड के